किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक सरकार के साथ आज बातचीत। अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में मुलाकात। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत में शामिल होगी 5 सदस्यीय कमेटी। बैठक के बाद केंद्रीय बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे से मोर्चा की बैठक। सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा। सिंह बॉर्डर पर किसानों का विरोध जारी। खुद को बीड़ियों और ताले लगाकर बैठे किसान, 5 लोग हो हड़ताल पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मुआवजे और मुकदमे वापसी सहित किसानों की सभी मांगों पर जवाब का इंतजार। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। चीन के साथ सीमा विवाद पर संसद में बहस की मांग। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का हो सम्मान। सोनिया गांधी का आरोप, किसानों और आम आदमी को लेकर असंवेदनशील है सरकार। सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्ति बेच रही। निलंबित सांसदों पर पहली बार बोली सोनिया गांधी। कहा, नियमों के खिलाफ कार्रवाई मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में रखा स्थगन प्रस्ताव। चीन विवाद पर चर्चा की मांग। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्यसभा में दिया नोटिस। अफसपा खत्म करने की मांग। आज लोकसभा में पेश हो सकता है सीबीआई ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल। हंगामे के पूरे आसार। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों के मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने दिखाया कड़ा रुख। माफी नहीं मांगने पर अड़े सांसद। निलंबित सांसदों का प्रदर्शन जारी। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का जवाब, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। लाल टोपी पर संजय सिंह का ट्वीट, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला। संजय सिंह के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नगर निगम क्षेत्र की सरकार चलाने वालों की यूपी में एंट्री नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रेड अलर्ट का मतलब है रुके रहो, एसपी बीएसपी और कांग्रेस के साथ मत जाओ। यूपी के दौरे पर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आज लखनऊ में जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र। 13 दिसंबर को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जोरों पर है काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन की तैयारियां। राहुल गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत। ममता के मुंबई दौरे के बाद उठे सवालों का दिया जवाब। संजय राउत ने गैर कांग्रेसी फ्रंट को किया खारिज। बोले, कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं है एनडीए विरोधी मोर्चा। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी से लड़ने के लिए फ्रंट बनाने का प्रस्ताव पास। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी गैर भाजपा पार्टियां इस देश में हैं, कांग्रेस सहित, उन सभी लोगों का एक विस्तारित विकल्प बने, मोर्चा बने। करतारपुर में केजरीवाल ने पंजाब की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का किया वादा। रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। ये महिलाओं के लिए जो 1,000-1,000 रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला, जो महिला कहेगी मुझे 1,000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। करतारपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी। बोले, सरकार बनी तो फ्री में मिलेगी बिजली। अमृतसर में केजरीवाल ने पंजाब की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत। करीब आधे घंटे चली मुलाकात। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत के कयास। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे पंजाब के पूर्व सीएम। आगरा में टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी के दो नेताओं के समर्थक भिड़े। बीच सड़क पर जमकर हुआ बवाल। बीजेपी समर्थकों ने किया एक दूसरे की गाड़ियों पर पथराव। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में फैसला। ब्याज दरों में बदलाव नहीं, ईएमआई में कोई राहत नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, लगातार फायरिंग। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद। मकान के चारों तरफ फैले हैं जवान।
मोतिहारी के एक्साइज सुपरिंटेंडेंट अविनाश प्रसाद के खिलाफ विजिलेंस टीम की कार्रवाई, अवैध संपत्ति का मामला। पटना, मोतिहारी और खगड़िया के घर में तलाशी, शराब माफिया के साथ मिली भगत कार। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार की तैयारी, अहमदाबाद में बनाए गए स्पेशल वार्ड। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 40 नए मरीज, 24 घंटे में एक शख्स की मौत। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों के बड़ी मुश्किल। पंजाब के फाजिल्का में सीएम के कार्यक्रम से पहले बेरोजगारी और ठेका टीचरों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। पंजाब के बठिंडा में ठेका कर्मचारी का सरकार के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मंत्री मुरारी लाल मीणा की रैली के दौरान भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूंसे। पंचकुला में कांग्रेस ने किया हरियाणा लोक सेवा आयोग का घेराव, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। रांची में एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केरल के कोच्चि में वक्फ बोर्ड के बाहर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी। दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए तैयार शूरवीर, कश्मीर वैली में सेना एयरफोर्स नेवी का साझा अभ्यास। कांग्रेस ने नागालैंड में मारे गए लोगों के लिए की मुआवजे की मांग, अधीर रंजन चौधरी बोले गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं। नागालैंड पीस अकॉर्ड, पीस एग्रीमेंट कहां गए, ये भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमारे तरफ से मांग था कि आर्थिक मुआवजा दिया करो। 24 परगना में टीएमसी दफ्तर में हिंदी फिल्म के गाने पर टीएमसी कार्यकर्ता का डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के संगरूर से शिरोमणि अकाली दल ने किया चुनावी आगाज, रैली में सुखबीर बादल ने सीएम चन्नी पर किया हमला। हरियाणा के सिरसा में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या, ससुराल वालों से चल रहा था विवाद। बिहार के आरा में ऑटो और बुलेरो की सीधी टक्कर, 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। दिल्ली से सटे नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 भीषण सड़क हादसे, 2 लोगों की गई जान। झांसी में आरपीएफ की टीम ने एक शख्स से बरामद किए 1,05,00,000 रुपए, इनकम टैक्स की टीम को किया हैंडओवर। दमोह में रेलवे की रैक से जब्त हुआ करीब 1 क्विंटल गांजा, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। म्यांमार की सीमा से सटे मणिपुर में 700 करोड़ का ड्रग्स बरामद, असम राइफल और पुलिस के साझा ऑपरेशन में मिली कामयाबी। हरियाणा के फतेहाबाद में लग्जरी गाड़ी में नशा तस्करी करते 3 युवक गिरफ्तार, करीब 35 लाख की हेरोइन बरामद। बिहार के मुकामा में प्रशासन ने सील किया शराब कारोबारी का घर, पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज, रेड के बाद पूरा परिवार फरार। बिहार में नकली शराब ने फिर मचाया कोहराम, समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत की खबर। श्रीगंगानगर में जूते के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। दक्षिण अफ्रीका के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को मिल सकती है वनडे की कप्तानी। भारत सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का ऐलान, डीन एल्गर होंगे कप्तान। विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, मुंबई में रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में ले रहे हिस्सा। सवाई माधोपुर में शुरू हुई कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी, संगीत की रस्म। सवाई माधोपुर में कैटरीना और विक्की कौशल की शादी के लिए लगातार पहुंच रहे हैं मेहमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।